मतलब बैकग्राउंड में कुछ है और वो बस फोटो काट करके तो आप अपने फोन से HD थंबनेल कैसे बना सकते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। लोग जो कि नए यूट्यूबर होंगे और उनके लिए मैं जीरो लेवल से चाहता हूँ कि जो कि थंबनेल बनाने के लिए सिखाऊं। और बहुत सारे लोग होंगे जो कि थंबनेल बनाना जानते होंगे लेकिन मतलब वो हाई फाइल जो कि थंबनेल बनाना सीखना चाहते होंगे, तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नए यूट्यूबर हैं तो ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि जीरो लेवल से अभी सिखा पाऊं और आने वाला समय में और भी जो कि हाई लेवल का दोस्तों आप सभी को थंबनेल बनाने के लिए सिखाऊंगा और साथ ही किस तरह से जो कि ब्लॉग और कुकिंग के लिए थंबनेल बनाते हैं वो भी आप सभी को बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, आप लोग जो कि इस वीडियो में बने, तो अगर आपको HD थंबनेल बनाने हैं इसके लिए चार एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेंगे। पहला एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल ऐप जो कि बहुत सारे लोग जानते होंगे। दूसरी एप्लीकेशन का नाम है जीबोर्ड जो कि दोस्तों जीबोर्ड क्या काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे बता दूं। जीबोर्ड जैसे कि आप लोग बहुत सारे थंबनेल देखते होंगे जहां पे हिंदी टाइपिंग में लिखा हुआ रहता है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि हिंदी टाइपिंग वाली एप्लीकेशन कहाँ से लाएं, तो उसकी भी दोस्तों जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही तीसरे नंबर का दोस्तों जो एप्लीकेशन है उसका नाम है रिमूवर बीजी, जिससे कि कोई फोटो का PNG होता है ना, बस फोटो रहता है और मतलब बैकग्राउंड में कुछ है और वो बस फोटो काट करके बस फोटो चिपकाया जाता है, वो दोस्तों उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। साथ ही चौथे का नाम है दोस्तों रिमनी, जिससे कि HD जो कि है फोटो या थंबनेल बनते हैं, तो कैसे दोस्तों इसका यूज करते हैं वो भी आप सभी को बता। सो अभी दोस्तों आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और सबसे पहले दोस्तों आप सभी जो कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने, बहुत सारे लोग कर लेंगे तो बढ़िया बात है, और जो लोग दोस्तों पिक्सल लैब इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं तो वो दोस्तों कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सर्च करेंगे सिंपली, ठीक है, यहाँ पर PIX देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे, जैसे ही दोस्तों पिक्सल लैब है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लूंगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको बाद में ओपन करेंगे, ठीक। तो अभी दोस्तों ये जो कि इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक दोस्तों मैं एक और एप्लीकेशन है जो कि डाउनलोड करूंगा जिसका नाम है जीबोर्ड, ठीक है। तो जीबोर्ड दोस्तों हमारे मतलब मोबाइल फोन में ऑलरेडी पहले से ही है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं अपडेट करूंगा। बहुत सारे लोगों को फोन में ये होंगे ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको उनको सिर्फ क्या करना है अपडेट कर देना, ठीक है। बहुत लोग के फोन में होंगे ये वाला एप्लीकेशन, देख सकते हैं आप लोग जीबोर्ड। तो दो एप्लीकेशन दोस्तों अभी इंस्टॉल हो रहे हैं और ये तो दोस्तों अपडेट हो रहे हैं ना, तो चलिए ये तो हो गए। अब दोस्तों हम लोग इंस्टॉल करेंगे बीजी रिमूवर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है बीजी रिमूवर लिखा हुआ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कि थोड़ा सा नेट स्लो चल रहे हैं, जैसे ही दोस्तों ये यहाँ पर आएंगे इस तरह का आप सभी को इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, यही है दोस्तों बैकग्राउंड रिमूवर रिमूवर बीजी, यही है, यही एप्लीकेशन दोस्तों आप सभी को डाउनलोड करने हैं और इससे दोस्तों PNG फोटो बनेंगे आपका, ठीक। तो चलिए इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो कि HD थंबनेल बनाने के लिए, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन का यूज करते हैं, उसका नाम है रेमनी, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ है दोस्तों रेमनी, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए। और इस तरह का दोस्तों रेमनी फोटो वाला है, देख सकते हैं, जो HD बनाता है, ये देखिए नीचे आप लोग देख सकते हैं इस तरह का रहेगा, ठीक। तो चलिए अभी दोस्तों इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं और इन सभी सारे ऐप का दोस्तों क्या यूज है वो भी आप सबको बताएंगे और कैसे यूज करना है। तो चलिए चारों एप्लीकेशन का दोस्तों पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आप सभी से मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ये सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए होंगे। अब दोस्तों हम लोग स्टेप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, पिक्सल ऐप जो कि ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का आप सभी को इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो सिंपली आप सभी को करना है अलाउ, अलाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप सभी को दिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान से समझनी है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इतने सारे आप सभी को ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज साइज, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को क्लिक करना है अगर थंबनेल बनाना है, तो देखिए यहाँ से क्लिक करने के बाद इमेज, यहाँ से क्लिक करना इमेज साइज पे, साइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे लिखा कस्टम लिखा, तो कस्टम पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ YouTube थंबनेल, देख सकते हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये जो कि देखिए कस्टम से बदल चुका है थंबनेल में, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, ओके करेंगे तो थंबनेल साइज हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, जो भी हम लोग को फोटो लेनी है, ठीक है, मान लीजिए कि जो भी हम लोग थंबनेल बनाने के लिए फोटो खींचे होंगे उसको सिंपली हम लोग को ऐड करना है। ऐड कहाँ से होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बना हुआ है लेयर, ठीक है, दो टाइप का। तो यहाँ पे क्लिक करें,
क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऐसे दाबेंगे तो ये कलर हो जाएगा, देखिए ठीक है ना। तो हम लोग को कलर नहीं लेना है, कोई इमेज लेना है, और सिंपली यहाँ से कट ऑफ करना रहेगा तो यहाँ से कट ऑफ करेंगे। ठीक, तो हमें इमेज लेना है जो हम फोटो खींचे हुए हैं, कैमरा से जाना है गैलरी से मतलब फोटो लेने हैं क्या, तो हाँ हमें गैलरी से ही फोटो लेने हैं, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी जो कि मेरा फोटो रहेगा चाहे आपका फोटो रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि मेरा नहीं है फोटो मान लिया जाए, तो यहाँ पर कैमरा के ऊपर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे थ्री लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोटो नहीं रहेगा कैमरा में तो कहीं और रहेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो भी रिसेंट यहाँ पर लिखा हुआ रिसेंट यानी कि जो भी फोटो आप लोग खींचे होंगे तत्काल में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फोटो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ई मैं ये वाला जो कि है मैं खींचा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये वाला दोस्तों मैं खींचा हूँ ये वाला, तो ये वाला को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए इस तरह का साइज में आ गया है मेरा फोटो, और इसी का थंबनेल हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप लोग नीचे आ जाइए। ठीक, यहाँ पर देखिए यानी कि ये मेरा फोटो हो गया, तो यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन थंबनेल साइज में हम लोग खींचे हुए हैं तो इसको क्रॉप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सभी को सिंपली नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम मतलब अलाउ करेंगे कि हाँ मेरा थंबनेल सही है, फोटो सही है, हम अभी यहाँ पे टिक कर लेंगे। ठीक, टिक करने के बाद देख सकते हैं आप लोग जो वो कलर वाला था वो खत्म हो चुका है और मेरा फोटो है जो कि यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यू टेक्स्ट का लिख करके ये चीज आया हुआ, यानी कि अब थंबनेल पे हम लोग कुछ लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग देखिए ऊपर में थोड़ा आप आइए, आएंगे ना यहाँ पे फोटो के जस्ट ऊपर में आप आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर एक कलम का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, मतलब कि इसमें एडिट करने का ऑप्शन हुआ इसका मतलब कि, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर कितने ऑप्शन मिलेंगे, 8 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे मतलब ये सब के बारे में आप ऑटोमेटिक जान जाइएगा जब ये सब पहले छोटी छोटी बातों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है हमको, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये न्यू टेक्स्ट में लिखा हुआ आया होता, अब इसे हम लोग मिटारेंगे। चलिए, मिटारने के लिए यहाँ पे कटअप का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, सारा है जो कि डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, तो यहाँ हिंदी टाइपिंग तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे तो इंग्लिश आ रहा है, तो हम हिंदी टाइपिंग में कैसे करें, यहाँ तो हिंदी आ रहा है, तो इसीलिए जी बोर्ड का अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे अब हिंदी में हम लोग को टाइपिंग करना है ना, मान लीजिए हमें लिखना है कि मेरा तालाब, तो हम लोग तो ये तो हिंदी में नहीं टाइपिंग हो रहा है, ये तो इंग्लिश में टाइपिंग हो रहा है, तो हमें तो हिंदी में टाइपिंग करना है, तो यहाँ से कट ऑफ कर लेंगे। कट ऑफ करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आप सभी को इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, तो ये सेटिंग का देख सकते हैं आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, सॉरी यहाँ पे आपको सेटिंग वाला पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी को इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज ऊपर में ही है यानी कि भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे आ जाइएगा, नीचे आ जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एड कीबोर्ड, यानी कि हमको कीबोर्ड ऐड करना है, कौन सा वाला, हिंदी वाला, तो हमें एड पे क्लिक करेंगे, यानी कि एड का मतलब होता है जोड़ना, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अब सारे लैंग्वेजेस है जैसे कि मराठी, तमिल, गुजराती, कनाडा, ठीक है, मलेशिया, बांग्ला, तो हिंदी भी है, तो हम लोग को हिंदी में टाइपिंग करना है, तो हिंदी पर ही सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब आप लोग नीचे आइएगा यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे इस तरह से लिखा हुआ आएगा, तो इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर टिक कर देना है। ठीक, अगर टिक नहीं रहेगा तो यहाँ पे टिक कर देना है, देखिए टिक हो गया। टिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे में आ जाइएगा, नीचे में यहाँ पे डन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पहले बस ये लैंग्वेज था और अभी ये जो कि ये एड हो गया। ठीक है, एड करने के बाद हम लोग बैक आ जाएंगे। चलिए अभी बैक आ जाते हैं, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर बैक आ जाते हैं। ठीक है, बैक आने के बाद अब हम लोग बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलेगा, पहला इंग्लिश और दूसरा हिंदी। ठीक है, जब वो सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको दबाना पड़ेगा, अभी भी देखिए इंग्लिश वाले अभी भी हिंदी वाले चीज नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश ही लिखा रहा है, वहां तो हम सेटिंग कर दिए, तो यहाँ भी एक सेटिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए ये वाला व्हाइट वाला है, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी भारत की भाषा करके आ रहा है, तो यहीं पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग लिख करके देखते हैं। ठीक, तो अब लिखते हैं, जैसे कि मेरा नाम है सुनील, तो अब टाइपिंग करते हैं, सुनील लिखाता है कि नहीं, एस ये कर लेता हूं, एस यू एन आई एल, तो आप लोग देख सकते हैं सुनील लिखा गया, तो यहाँ पर लिख देंगे सुनील। तो देखिए आप लोग हिंदी में टाइपिंग हो गया, तो ये तो हो गया हिंदी टाइपिंग वाला, तो सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली सेटिंग कर लीजिएगा। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे थंबनेल हमारा, अब बैक थोड़ा आता हूँ, और अब इस थंबनेल पे हमको लिखना है क्या कि तालाब में मछली नहीं है, तालाब में मछली क्यों नहीं है, ये सस्पेंस वाली हमको फोटो बनाना है, मतलब थंबनेल बनाना है। तो यही टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, फिर पेंसिल पे क्लिक करेंगे, और फिर अब इसे हटाएंगे। हटाने के लिए यहाँ पे कट ऑफ का है, यहाँ से हटाएंगे। अब हमको लिखना है कि इंग्लिश में लिखेंगे तो वहां हिंदी में टाइपिंग हो जाएंगे। ठीक है, तालाब में मछली नहीं, तो यहाँ पर ज्यादा अगर आपसे कुछ लिखा जाता है तो यहाँ पे क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारा लग रहा तालाब होता है, तो तालाब लिखा हुआ है, तो चलिए हमको तालाब लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, और यहाँ पे कटअप का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्लिक मारेंगे, तो यहाँ पे तालाब हो गया, देखिए तालाब। ठीक है, तो तालाब हो गया, तालाब में अब लिखना है, तो यहीं से लिखेंगे, तो स्पेस दे देंगे, स्पेस इससे होता है, इससे स्पेस होता है। ठीक है, तो स्पेस मारेंगे तो ये थोड़ा सा जगह उन्हें जाकर लिखाएगा। ठीक है, तो तालाब में ये लिख देते हैं, और मछली, तो मछली क्यों, के यू क्यों, यहाँ पर देखिए लिखा रहा है यहाँ पे क्यों नहीं है, चलिए क्यों नहीं है। ठीक, ये हो गया, और यहाँ पे इमोजी लगाना है, देखिए यहाँ पे इमोजी मिलते हैं, जैसे कि ये देखिए इमोजी किसे बोलते हैं, इस तरह का, इसको बोलते हैं इमोजी। अब बैक आना रहेगा, तो सिंपली यहाँ पे एबीसीडी पल पे है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर वहीं पे आ जाएंगे, इमोजी पे क्लिक करना रहेगा, तो यहाँ पे इमोजी पैसे देंगे तो हो जाएंगे, तो क्यों है, यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, तो सस्पेंस ये वाला पे ले लेंगे, क्यों नहीं है। अब यहाँ पर पूरा टाइपिंग यहाँ पर ही हो चुका है, यहाँ पे लिखिए ओके है, और ओके पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो भी टेक्स्ट हमने लिखे हैं ये पोस्टर पर आ चुका है। अब चलिए, अब आने के बाद इसे अच्छे से हम लोग को सरियाना है। ठीक है, क्योंकि ये तो अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो सरियाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एक व्हाइट कलर का कुछ है, देखिए ये वाला, इसको ऐसे करिएगा तो ऐसे होगा, ऐसे करिएगा तो ऐसे होगा। ठीक, तो अभी इसे हम लोग को छोटा करना है और सेट करना है, तो सेट करने के लिए भाई कैसे हम लोग सेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोना पर इस तरह से करने वाला है, ये देखिए ऐसे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसे करेंगे, या तो हमको बड़ा करना है और एक ही लाइन में लगाना है, तो इसे एकदम खींच के बड़ा कर लेंगे, और इसको यहाँ पे सटा देंगे, देखिए कैसे सट रहा है, सट रहा है। ठीक है, अब इसका सट गया, अब इसका कलर हमको चेंज करना है। ठीक है, व्हाइट कलर का ही आएगा, तो कलर चेंज करने के लिए इस पे ही सेलेक्ट रखना है, और उसके बाद यहाँ पर ए का ऑप्शन दिख रहा है ना, मतलब एडिट, तो एडिट पे हमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आ गया, तो आप सभी को यहाँ पे चले आना है ऐसे करके स्क्रोल करके, और यहाँ पे टेक्स्ट वाला पे कलर का ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पे कलर वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कलर पहला लिखा हुआ है, दूसरा आएगा ग्रेडियंट, तो हमें कलर ही करना है। अब इसका कलर जो भी रखना चाहते हैं, व्हाइट कलर का भी है, तो हमें जो भी कलर रखना है तो यहाँ पे कलर चुनेंगे। ठीक है, मेरे को ज्यादातर अच्छा लगता है ये कलर, तो ये दे देंगे। ठीक है, और देने के बाद जो भी देने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ओके कर देना है। ठीक, ओके करने के बाद अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मेरे को शायद फॉन्ट इसे फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको अब दूसरा फॉन्ट में हमको बदलना है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें फॉन्ट बदलना है, तो यहीं पे एडिट पे ही रह देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट, देख सकते, सॉरी लाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट, तो फॉन्ट करके यहाँ पे मोटा वाला हम रखना चाहते हैं फॉन्ट। ठीक है, ये मोटा वाला पे क्लिक करेंगे और नीचे में फिर ओके। ठीक,
ठीक है, तो ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक, और यहाँ पर देखेंगे लगा करके। तो अभी मैं मतलब मेरे को अच्छा कलर नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा कलर नहीं लग रहा है, तो हमको दूसरा कलर करना है। चलिए भाई हम दूसरा कलर ही कर लेते हैं, ठीक है, हरा वाला कर लेता हूँ। तो हरा वाला लाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हरा है, लेकिन ये बढ़िया वाला हरा नहीं है, देखिए हरा बढ़िया नहीं है। तो आपको बढ़िया वाला हरा रंग वाला चाहिए या कोई भी कलर चाहिए आपको, तो प्लस का यहाँ पर आइकन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे कलर्स बनाने का ऑप्शन आ जाता है। फिलहाल अभी ये वाला हरा वाला है, तो ये तो अच्छा वाला हरा नहीं है, हमको प्योर हरा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला बिंदु है, आप लोग देख सकते हैं ये बिंदु को एकदम हरा वाला में सटा देंगे। सटाने के बाद ये वाला वहीं पे रह देंगे और इसको ना हरा में एकदम लेकर चल जाएंगे। अब देखिए उसका कलर कैसा बदल गया, देखिए, ठीक है। तो बहुत लोग खोजते हैं इस तरह का हरा, तो मैं बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, तो देख सकते हैं ये टेक्स्ट कैसा हो गया है, अभी एकदम मस्त हो गया है ना। तो अभी ओके कर देंगे, तो ये हमारा जो कि यहाँ पे कलर में एड हो गया एक और कलर। और मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लू अच्छा वाला ब्लू नहीं है, देखिए ये बढ़िया वाला ब्लू नहीं है, तो और हमको गाढ़ा वाला ब्लू चाहिए, तो यहीं से लेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ब्लू जो अच्छा ब्लू चाहिए उसको खींच करके लाना है यहाँ पे, और ये ओके कर देना है यहाँ पे ला करके। तो अब देखिए ये प्योर वाला ब्लू हो गया, अभी देखिए इसका कलर कैसा हो गया ब्लू का। तो चलिए ये तो कलर वाला बात हो गया कि कलर कैसे आपको एड करने हैं, यहाँ से एड कलर होते हैं, ठीक। और अभी ओके कर देते हैं, हमको मान लीजिए कि ये कलर अच्छा लग गया, तो हम यहाँ पे ओके वाला पे क्लिक कर देंगे, देखिए ओके वाला पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपका जो कि है कलर सेट हो गया और हम ओके कर दिए। तो उसके बाद इसी पे आ करके ये पर ही आना है, क्योंकि अभी हम लोग एडिट कर रहे हैं, किसको एडिट कर रहे हैं, मतलब ये वाला टेक्स्ट को, तो ये पर ही रहेंगे। फिर उसके बाद और भी इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि हमको बैकग्राउंड, जैसे कि स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल देखिए, तो हमको टेढ़ा मेढ़ा करना है, तो पहले टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, तो देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, अभी देखिए सीधा है, देखिए थोड़ा मोटा हो गया, ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो ये देखिए अभी टेक्स्ट का जो कि है नजारा ही कुछ बदल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी इसे और अच्छे से हम लोग कलर देंगे, ठीक। कलर देने के लिए फिर से हम लोग मतलब यहाँ पर देखिए अब आ गए, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर एडिट वाला सारा कुछ खुलेगा, ठीक। तो कलर तो हमको यही रखना है, फिर उसके बाद ये सब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, उतना मतलब जरूरी नहीं है, ये बाद में आप लोग आराम से सीख जाइएगा, पहले थोड़ा सा जानकारी लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे स्टाइलिश वाला तो हो गया, तो इससे क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा। तो आप तो नया नया रहेंगे, तो आपको ये सब छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, अगर खराब हो जाए तो यहाँ पे कटअप कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद हम लोग स्ट्रोक करेंगे, ठीक है, देखते होंगे कि बैकग्राउंड में जैसे कि उजला उजला कुछ रहता है वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रोक का ऑप्शन आप सभी को दिखेगा, स्ट्रोक का यहाँ पे क्लिक करेंगे, और हमको लगता है कि स्ट्रोक करने के बाद हमें यहाँ पे कोई कलर लगाना है, तो हमें ब्लू बहुत पसंद, मतलब ब्लू के साथ में उजला अच्छा लगता है, तो यहीं पे उजला क्लिक करेंगे व्हाइट वाला, और यहाँ पर देखिए अभी हो चुका है इस तरह का। अब इससे तो हो गया, तो इस पे हम करेंगे, और उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे। तो नीचे आने के बाद आप लोग देखिएगा कि ये बड़ा होगा, जैसे कि देखिए वो मछली वाला है लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे तो ये बड़ा होगा, देखिए ये बड़ा छोटा हो रहा है, बड़ा है ना। तो ये व्हाइट वाला सिलेक्ट करके हमने ये सिलेक्ट किया स्ट्रोक में, तो ये बड़ा हो रहा है। तो आप लोग देख समझ लीजिएगा कि किस तरह से हमें एडजस्ट करना है, ठीक। तो हमें इतने पर ही रहेंगे, फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद स्ट्रोक से ये हुआ है, पीछे वाला जो व्हाइट वाला लगा है ये स्ट्रोक से लेगा। फिर उसके बाद आ जाता है शैडो, शैडो का मतलब देखिए शैडो पे क्लिक करते तो क्या होता है, वो शैडो बनाएगा, और उसके बाद इसको एनेबल करते हैं, तो देखिए शैडो बन गया। अब ये शैडो व्हाइट में बनाना चाहते हैं कि रेड में बनाना चाहते हैं, तो रेड में बनाएंगे तो इस तरह का आएगा, देख सकते हैं आप लोग, रेड में बनाएंगे तो इस तरह का आएगा, अगर शैडो बढ़ाएंगे तो पूरा ये रेड हो जाएगा, देखिए इस तरह से। ये देखिए सस्पेंस क्रिएट हो गया कि तालाब में मछली क्यों नहीं है, अब बहुत सारे लोग इस पे क्लिक कर सकते हैं इस थंबनेल पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को मतलब कुछ यूनिक लिखना है और इस पे करेंगे तो पूरा तरह से हो जाएंगे। तो ये सब आप सभी को धीरे धीरे सीखने हैं, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और भी जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है,
और जब आपको फिर से इसमें कुछ चेंजेस करना रहेगा, मान लीजिए कि हमको तालाब के यहाँ जमा कुछ और लिखना है, तो इसी पे क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग एडिट पे चले जाएंगे, इसमें चेंज कुछ करना रहेगा तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी रखना रहेगा वो रखेंगे। जैसे हमको ये खाली मछली तालाब रखना है तो मछली तालाब ये रखना है तो ये वाला ओके कर देंगे, तो फिर मछली तालाब आ गई। मान लीजिए कि हमसे मिस्टेक से कट भी जाता है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, यहाँ से बाइक आ जाएंगे हम लोग, ठीक, तो बैक आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितने भी हमने लिखे हुए थे वो सारा कुछ आ गया, देखिए आ गया ना। तो आपसे मिस्टेक से कुछ गड़बड़ हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करके फिर उसे पुनः ला सकते हैं, ठीक ना, समझ गए आप लोग। और उसके बाद मान लिया जाए कि ये फोटो जो कि तैयार हो चुका है, अब दोस्तों यहाँ पे मछली का हमें फोटो लाना है, ठीक है, तो सिंपली आप सभी को बैक आ जाना है, ठीक है, और उसके बाद अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद सर्च बार में लिख सकते हैं यहाँ पे मछली इमेज या फोटो भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फिश, फिश भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो फिश से भी आ जाएगा, तो FISH फिश, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज ऑटोमेटिक आ चुका है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मछली है, ठीक है, तो इसी का दोस्तों हम जो कि डाउनलोड कर लेते हैं फोटो, ठीक, तो कोई भी दोस्तों फोटो आप सभी को डाउनलोड करना होगा, देखिए कितने सारे मछली आ गए हैं, ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे सिंपली फोटो पे क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे, तो यहाँ पर बगल में आप सभी को डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, जो भी आप सभी को फोटो डाउनलोड करना है उस पर प्रेस खाली कर ले रहिएगा ऐसे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इमेज डाउनलोड हो चुका है, इसे बस ओपन करना है, ठीक है, तो चलिए इसे तो ओपन हम नहीं करेंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद जो वीडियो रिमूवर हम लोग डाउनलोड किए थे अब उसका काम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर बीजी रिमूवर जो कि क्लिक करेंगे ओपन हो रहा है, ठीक है, रिमूवर बीजी, यहाँ पे अब जो कि है मछली का फोटो यहाँ पे जो कि अपलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए, फिर यहाँ पे अलाउ कर देना, और उसके बाद यहाँ पे एल्बम आएगा, फोटो आएगा, तो आप सभी को एल्बम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही फोटो है, उसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी व्हाइट थे वो हट चुका है, बस मछली का फोटो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये PNG फोटो बन चुका है। अब वहाँ पे हमें थंबनेल में लगाना है, ठीक है, तो थंबनेल में लगाना है, तो ये तो डाउनलोड हो चुका है, अब तो हम लोग बैक आ जाएंगे, बैक आने के लिए यहीं इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पिक्सल लाइव है, यहाँ पे चले जाएंगे, अब पिक्सल लाइव में आ चुके हैं, और अभी कोई भी फोटो लेना रहेगा आप सभी को तो यहाँ पे प्लस, प्लस मतलब क्या होता है कि जोड़ना, तो आप इसके साथ कुछ और जोड़ना चाहते हैं, फोटो हो या टेक्स्ट हो ऐसे करके, तो नहीं हमें मतलब जोड़ना है फोटो, तो प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इतना इतना चीज है जो कि आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ने वाले प्लस मतलब जोड़ना, तो ये देखिए टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं, और उसके बाद करेंट डेट भी जोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद जोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद फोरम गैलरी, ठीक है, तो हमें फोटो ही जोड़ना है, ठीक है, तो फोटो जोड़ना है तो यहाँ पर फोरम गैलरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप लोग ये मछली का PNG जो कि आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करेंगे तो ये देखिए मछली यहाँ पे आ चुकी है, ये देखिए आ गई, तो अब इसे बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से यहीं से इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं, तो चलिए हम इसे साइड में ले चलते हैं, यहाँ साइड में मछली आ गई है, और मान लिया जाए कि एक मछली आई है, हमें दो गो मछली चाहिए, तो दो गो मछली करने के लिए इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी को आ जाना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दूसरा नंबर पे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिखेगा जस्ट ऊपर ही, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो देखिए दो मछली बन गई ना, तो यहाँ पे साइड में रख लेंगे मछली को। अब ये मछली है तो हम चाहते हैं कि इसके साइड साइड में व्हाइट व्हाइट सा दिखे ताकि देखने में अच्छा लगे, तो सिंपली मछली पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहीं पे आकर के एडिट पे बगल में आना है, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे अनेबल कर लेंगे इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए उजला कलर का जो कि मछली के साइड साइड में हो गया, मान लीजिए हमें हरा करना है तो हरा पे क्लिक करेंगे तो देखिए हरा हो गया ना, देख सकते हैं आप लोग, तो ऐसे करना है, जब ये आपको अच्छा लगने लगे कि नहीं भाई अच्छा है हमारा तो ओके पे क्लिक कर देंगे। मान लिया जाए कि आपका थंबनेल जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुका है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि कोई चेंजेस करना रहेगा या कुछ चीज को डिलीट करना रहेगा आप सभी को, तो कैसे कर पाएंगे,
तो डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी चीज को आपको डिलीट करना रहेगा उस पर टाइप करना, जैसे इसे डिलीट करना है तो यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भाग जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा डिलीट का ऑप्शन, और यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे अब हम वर्क नहीं कर रहे। तो मान लीजिए कि इस मछली को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कंफर्मेशन कि डिलीट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, आपको डिलीट करना है क्या इसे, तो ओके हमको डिलीट करना है, तो ये डिलीट हो चुका है। अब मान लीजिए कि गलती से डिलीट हो गया, अब इसे लाना है तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं तीर का आइकन है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से मछली आ गया। तो चलिए अब मान लीजिए कि ये पूरा हमारा थंबनेल है जो कि तैयार हो गया, अब इसे सेव करना है। सेव के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सेव सेव का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेव इमेज का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत चीज है जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेपीजी फाइल है तो यहाँ पे पीएनजी फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे कस्टम, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। तो कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेव टू गैलरी ये दोस्तों लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये सेव होंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, सेव हो जाएंगे, सेव होंगे। अब उसके बाद दोस्तों इसे HD बनाना है, तो HD बनाने के लिए हमने आप सभी को डाउनलोड करने के लिए बोला था रिमनी को, ठीक है। तो अब इसे HD करेंगे, HD करने के लिए यहाँ पे रिमनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ एड उड आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अभी आ चुका है हमारा यहाँ पे थंबनेल, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें तो अब ये HD प्रोसेस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रचार आएंगे तो ये प्रचार आप सभी को तब तक देखने हैं तब तक जब तक ये प्रचार है जो कि पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए, तो इसे पूरा इस प्रचार को दोस्तों पूरा चलने देना है, ठीक है, तब जाकर के ये HD थंबनेल करेंगे। तो चलिए अभी वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है, दो तीन को ऐड आएंगे तो दो तीनों ऐड को देखना है, पूरा देखना है, तब जाकर के HD थंबनेल बनाएंगे। सो दोस्तों ऐड जब खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं पहले था दोस्तों इस तरह का फोटो और अभी हो गया क्लियर, देख सकते हैं अब इस तरह का हो गया, पहले देखिए ऐसा था अब देखिए ऐसा हो गया, पहले ऐसा था अब ऐसा है, पहले ऐसा था अब ऐसा है, यानी कि HD ये थंबनेल हो चुका है। अब इसे सेव करना है, ठीक है, पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया, तो इसे अब सेव करना। सेव करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं तीर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक एड और चलेंगे तो इस एड को भी आपको पूरा पूरा देखना है, उसके बाद सेव का मैसेज गिर जाएगा। सो दोस्तों एड है जो कि खत्म हो चुके हैं, फिर यहाँ पे कट ऑफ करेंगे, तो कट ऑफ करने के बाद यहाँ पे देखिए गोल गोल घूमेंगे, घूम रहे हैं तो यहाँ पे सेव हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे अब डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दो गो हमारा हो चुका है, एक पहला HD वाला है और बिना एक HD वाला है। चलिए देखते हैं अभी, ये देखिए अब ये HD हो गया, देखिए ये देखिए HD हो गया, ये देखिए। तो इसी तरह से आपको HD थंबनेल बनाना है, और पहले वाला देखिए कैसा है, बहुत अंतर है ना, ये देखिए पहले ऐसे था और अभी वाला है, तो ये HD हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों आप सभी को थंबनेल है जो कि बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग है जो कि थंबनेल बनाने के लिए सीख गए होंगे, और न्यू यूट्यूबर के लिए ज़्यादातर मैं खास करके ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से जो कि समझ पाएंगे, और प्रोफेशनल लेवल का भी थंबनेल बनाने के लिए आप सबको सिखाएंगे, बट इतना पहले लोग सीख जाएंगे तभी ना मतलब आगे का काम होगा। इसमें तो दोस्तों बहुत सारे फीचर हैं जहाँ से मतलब अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल बन सकते हैं, लेकिन हाँ अभी आप सभी को इतना ही सीखना है, काम कीजिए और धीरे धीरे आप लोग भी अपना इसमें दिमाग लगाइए तो आप लोग भी अच्छा थंबनेल जो कि बना लीजिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं आप सभी को अच्छे से अच्छे सिखा पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल पर दोस्तों आप सभी को चैनल्स आइडिया
एडिटिंग, किस तरह से सारा कुछ काम करने, वो भी दोस्तों आप सभी को सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए दोस्तों मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। भाई से कोई गलती मिस्टेक हो जाए तो कृपया माफ कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।